हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाहिद हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल Z3 पर। ये मेरे दोस्त हैं मंजूर अली। हाय दोस्तों, आज हम लोग यहां पर मौजूद हैं इब्राहिम हैदरी। समुंदर से लोग मछलियां पकड़ के लेकर आते हैं, कश्तियों में जाते हैं और समुंदर से मछलियां पकड़ के लेकर आते हैं यहां पर। उसके बाद बोली लगाई जाती है, बोली दी से फिर ये एक्सपोर्ट होती है दूसरे कंट्रीज में। मेरे साथ मौजूद है मेरा दोस्त मंजूर अली, जो कि अभी अभी हैदराबाद से आया है। मैं आज फर्स्ट टाइम इब्राहिम हैदरी आया हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आज का व्लॉग यहाँ बनाया जाए और आपको भी यहाँ पर दिखाया जाए कि यहाँ पर किस तरह लोग खरीदो फरोख करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दोस्तों, मेरे पीछे एक छोटा सा पुल बना हुआ है। क्या सीन है, कश्तियाँ खड़ी हुई हैं, लोग मछली पकड़ के लेकर आए और बोली लग रही है। किस तरह बोली लग रही है, क्या हो रहा है, वहाँ पर चल के देखते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इब्राहिम हैदरी में एक छोटी सी कॉलोनी भी है। अच्छा, यहाँ पर लोग बहुत सारे रहते हैं जो जिनका गुजरो सफर इसी मछली के कारोबार पे है। इनको सिंधी में होड़ा कहा जाता है। बहुत बड़े बड़े होड़े यहाँ पर स्टे किए हुए हैं। यहाँ पर ये यूँ समझ लें कि एक स्टाफ है, यहाँ पर आके रुकते हैं, उसके बाद जो भी मछली पकड़ के लेकर आते हैं फौरन उतारते हैं और उसके बाद उसकी बोली लगती है। आपका लागत है हमारी स्टोरी नॉनसेंस है। दोस्तों, मेरे सामने कुछ लोग खड़े हुए हैं, चलो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई आप? जी मोहम्मद फारूक। हम यहाँ पर फर्स्ट टाइम आया हुआ है, अभी देख रहे हैं बच्चे मछली पकड़ रहे हैं। मछली पकड़ते भी हैं? मछली पकड़ते भी है, वो लोग मछली पकड़ रहे हैं। अच्छा, ये देख के बहुत खुशी हो रहा है। ये रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अच्छा, आप खास तौर पर मछली पकड़ने के लिए आए? नहीं, मछली पकड़ने नहीं, मछली पकड़ते हुए देखना है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? ये लोग आए हैं यहाँ पर विजिट करने। अच्छा, हमको शिकारिया है? नहीं, घूमने जैसे हम लोग आए हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। दोस्तों, ये कश्ती जैसे कि रवाना हो रही है मछलियाँ पकड़ने के लिए, लोग जा रहे हैं। इसमें और भी बहुत सारी कश्तियाँ यहाँ पर समुंदर में अंदर मौजूद है। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर बड़ी बड़ी कश्तियाँ भी मौजूद हैं, लेकिन छोटी छोटी कश्तियों में भी लोग जाते हैं। लोग छोटी छोटी मछलियाँ पकड़ते हैं, कुछ मछलियाँ इन्होंने पकड़ी हैं। क्या हाल है, क्या नाम है आपका? अब्बास। कितनी मछलियाँ पकड़ी आपने? एक चला। अच्छा, कब गए थे आप? अभी गया था, 5 मिनट हुआ है। 5 मिनट में इतनी सारी माशाल्लाह से। और ये आप क्यों पकड़ रहे हैं, खाने के लिए या बेचने के लिए? बेचने के लिए। ये कश्ती आपने खुद बनाई है? हाँ, मैंने खुद बनाई। मजबूत है कश्ती, अगर ये डूबती नहीं है? नहीं डूबती है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान? बस यही हाल है। मछली पकड़ी है, क्या पकड़ा आपने? ये केकड़ा पकड़ा बस। आपने ये कितनी देर में पकड़ी है, कब से आप गए हुए थे? अभी दो दिन हो गए हम लोगों को। दो दिन? मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। दो दिन से आप समंदर के अंदर थे? दो दिन पहले, ये दिन में 10 बजे निकले हैं और अभी पहुंचे हैं यहाँ पर। देख सकते हैं आपने केकड़ा पकड़ने गए थे। दोस्तों, आप देख सकते हैं केकड़ा है, ये जिंदा है? जिंदा भी है, मरा भी है, देख रहे हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? निकाल कर देखो, जिंदा है, मरा हुआ है? रोड पर ही है। चलो, थैंक यू सो मच। एक केकड़ा भाग रहा है आपका, ये देखो बस, उसका भी मरा हुआ है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मरा हुआ है, टांगे तो हिल नहीं है इसकी। ये मर गया, मर गया, ये बिगड़ हो गया, बिगड़ हो गया, ये बिगड़ हो गया। ओ गुड, काम का नहीं है। यहाँ पर कुछ लोग फोटोग्राफी भी कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। क्या सीन है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? अवेश भाई, आप यहाँ पर विजिट करने आए? ये भाई दोनों विजिट करने आए, मैं तो यहाँ कराची में काम करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर कौन सा इलाके में रहते हैं?
यहाँ पे हम क्रमिक राशि। तो आपने क्या यहाँ पर ऑब्जर्व किया, कैसा है ये माहौल? कैसा माहौल? अच्छा, लेकिन अभी पहली दफा आया, अभी तकरीबन 2-4 मिनट हुए, अभी फर्स्ट टाइम आया हूँ। हालांकि मुझे 18-20 साल हो गए यहाँ कराची। आप कौन से इलाके से ताल्लुक रखते हैं? मारवाही वाले। चला, माहौल अच्छा है, अभी देख रहे हैं सब। तो मच बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, थैंक यू। तो दोस्तों मंजूर से पूछते हैं कि इनको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा है भाई, मैं यहाँ हैदराबाद से आया हूँ, बहुत मुझे अच्छा लगा है और बहुत मजा आ रहा है देखने में भी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे भाई? कैसे सर, आप विजिट करने आए? जी जी, विजिट करने आए। ये टोकरी क्यों पकड़ी है? मछली है। मछली लेंगे आप? यहाँ पर किस हिसाब से मछली मिलती है, सस्ती मिलती है या महंगी मिलती है? यहाँ सस्ती मिलती है। तो आप कौन सी मछली खाते हो, कौन सी मछली आप पसंद करते हो? गंदिया। तकरीबन किस हिसाब से मिलती है आपके अंदाजे से, ये क्या किलो होगी? सर ये तो वेट ऊपर नीचे होता है, छोटी होती है, बड़ी होती है, ताजी के अलग हिसाब होते हैं और थोड़ी पुरानी होती है। तो आप आते रहते हो यहाँ पर? फर्स्ट टाइम आए? आते हैं। तो अच्छा, आप कहाँ रहते हैं यहाँ पर कराची में? दोस्तों अबू बकर भाई हमारे साथ मौजूद है और यहाँ पर औरंगी टाउन से आए हैं यहाँ, तो चलो इनसे बात करते हैं। जी माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पर, क्योंकि पहली दफा हम यहाँ पर आए, एक्टिविटी मिल रही है हमें यहाँ पर, माशाल्लाह से लोग भी अच्छे हैं। चलो दोस्तों मार्केट में चलते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन सी मछली यहाँ अवेलेबल है। सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई जान। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल जब्बार है। अरे आप कब से ये काम कर रहे हैं? मेरा अल्लाह का शुक्र है, मेरा 40 साल गुजर गया इस काम में। अच्छा, तो यहाँ पर ये जो मछली अवेलेबल है यहाँ पर मौजूद है, इसमें कौन सी मछली में कम कांटे होते हैं और कौन सी में ज्यादा कांटे होते हैं? भाई जान जो मीठा पानी का मछली होता है उसमें कम कांटा, ज्यादा कांटा होता है, समुन्द्र का मछली में अक्सर तौर पर कम कांटा होता है। सबसे ज्यादा मछली कौन सी यहाँ पर सेल की जाती है, आप बेचते हो सबसे ज्यादा? हम लोग ये छोटे मोटे मछली बेचता हूँ, पापलेट हो गई, लॉबस्टर हो गई, और तो अल्लाह वाला करे ये हीरा हो गई, ये बड़े मुश्किल हो गए, ये सब बाहर पका, बड़ा झींगा हो गया, ये सब बाहर जाता है। बोली लगाने के लिए रखी हुई है मछली या बेचने के लिए? मैंने उठाया बोली से, किश्ती वाला मार के आता तो किश्ती वाला को वहाँ बोली चलाता, राशन का पैसा होता, तेल का पैसा होता, डीजल का पैसा होता है, सब काट पीट कर समझो अपना पेट के जितना मजदूरी मिलता है। तो हम लोग भी बोली उठाया, बोली से उठा के हम लोग यहाँ फरोख कर रहा हूँ, वो भी समझो दिन में 300-400-500 जैसा मिलता है हम लोगों का नसीब में वही मिल जाता है। इतवार का दिन होता 1800 मिल जाता, आम दिन में 500-400 इसे मिलता है। अच्छा, यहाँ पर कौन कौन सी मछली आपके पास अभी मौजूद है? हमारा क्या मछली है तो हीरा गुल्फा में गिंगड़ा दो तर है, तो दया दंदिया है, सोल फीस है। हमारे व्यूवर्स को बता सकते हैं कि कौन सी मछली कौन सी किस्म कितने रेट में यहाँ पर अभी मौजूद है? भाई जान ये हम लेते हैं 150 रुपया में, हम 160 रुपया मिलता है, अभी 10 रुपया मुलता दे देता है। 160 रुपये? 160 रुपये में बेचता हूँ हम लोग किलो। हाँ अच्छा, क्या नाम है इस मछली का? इसका नाम है मुश्का बोरा। ये मछली 200 रुपया, ये 120 रुपया, ये 150 रुपया। हमारे व्यूअर्स को हम देना चाहते हैं? जी भाई, जितना भी हमारा जैसा है, हम जैसा मजदूर भाई हो और अमीर भाई हो, सबको सलाम। दोस्तों इनकी तरफ से सब मजदूर भाइयों को और गरीबों को, अमीरों को, सबको इनकी तरफ से सलाम। जो भाई इन्होंने यहाँ से आए, सब वीडियो निकाला हुआ, तो भाई लोगों को सब सब मेरा भाई, मजदूर भाई हो, अमीर भाई, जितना भी हो इनका सपोर्ट करो। थैंक यू, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम हारून भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई। मछली का कारोबार करते हैं? जी मेरी मछली बेचते हैं। ये क्या किलो है ये वाली मछली? ये वाली 450 रुपए किलो। सबसे बड़ी मछली यहाँ पर ये है, फारम मछली मौजूद है, ये है मैत्री में 400 रुपए किलो है, शेड में 800 रुपए किलो। इसका कितना वजन होगा? ये वजन तकरीबन 4-4.5 किलो। रसूल बख्श भाई हमारे साथ मौजूद है, इसका कारोबार करते हैं, किस रेट में आपको ये मछली प्रोवाइड करेगा? हाँ ये सैकड़ों वालों से और ठेलों वालों से बचो, उसमें कई कलरों की, कई रंगों की मछली आती है। हाँ वो बहुत कुछ ऐसी भी होती है जो हम लोग मुसलमान खाते भी नहीं है, धोखे में भी दे देते हैं। तो जो मछली मुसलमान नहीं खाते वो भी दे देते हैं। क्या पहचान होती है उसको, कोई पहचान? उसके ऊपर खाली फिंगर बना के भेज देते हैं उसका। हाँ इब्राहिम हैदरी में जो ये पूरी कराची हैदराबाद जो भी एरिया हर एरिया इधर आता है मछली लेने के लिए हमारे पास। देखो मेला लगा हुआ है। हाँ बिल्कुल, ये देख सकते हैं, बिल्कुल मेला लगा हुआ है, देखो इब्राहिम हैदरी के अंदर। हाँ मेला लगा हुआ है इब्राहिम हैदरी के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया आती है मछली लेने के लिए, सबको जायज रेट मिलता है इधर। हाँ ये ठेलों वालों सैकड़ों वालों से बचो, दुकान वालों से बचे हो तो
50,000 रुपया किराया देते, कोई किराया नहीं है, कोई पता नहीं है, हर अपना रोजी मुसलमान का था, कोई पता नहीं है, कोई टैक्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये जो भी खड़े हुए सब अपना रोजी करके अपने घर में चले जाते हैं। सो मच, इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। भाई सब लोगों को सरप्राइज करो, ब्राहिम एग्री को सरप्राइज करो, इंशाल्लाह ताला हर कराची हर एरिया में भेजो, हमारे ब्राहिम एग्री में बोलाओ मच्छी रहने, इधर आओ, होलसेल का रेट इंशाल्लाह ताला मिलेगा, ताजा फ्रेश मछली, एक दिन वाला मछली। हेलो गाइस, कैसे हो? ठीक हो? ये भाई हमारा है अब्राहिम मेदरी में फिश मार्केट में, और ये सब ये वीडियो बना रहा है मछली भाई। दूसरे को भाई चैनल को सब्सक्राइब करो और फॉलो करो, लाइक करो, बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये कौन सी है, इसका नाम क्या है? ये मुश्का है। मुश्का, मुश्के का बच्चा है, मुश्के का बच्चा है छोटा। तो ये क्या किलो बेच रहे हैं आप? ये 100 रुपए किलो, 80 रुपए किलो, ये पूरा टोकरी दे देते हैं 150 में, 100 में। गुलफाम मछली जिन्होंने नहीं देखी वो देख सकते हैं, 350 रुपए किलो। अच्छा, ये क्या किलो है? 250 रुपए किलो। ये कौन सी मछली है? इसका तो आंखें ही नहीं नजर आ रही। सोल है, सोल है, सोल कटा हुआ, काट के रखा है। सस्ता है, सबका 300, सबका 300 में पूरी ये टोकरी है छोटी मछलियों की। मेरा नाम बाबा मोहिद्दीन है। सबसे सस्ता, सबसे छोटा मच्छी मेरे पास मिलते हैं। अगर ये छोटा मच्छी आपका बिना की लेते नहीं है तो किसी आखिर से पूछ ले। क्या नाम है भाई आपका? उमेर। उमेर भाई, आप कहाँ से आए मछली खरीदने? 6 नंबर से। 6 नंबर से, कोरंगी 6 नंबर। दोस्तों देख सकते हैं आप, कोरंगी 6 नंबर से ये मछली खरीदने आए, और ये इन्होंने मछली खरीदी है। ये हमने 350 रुपए, 350 रुपए पर केजी। और ये कितने केजी में कितनी आ गई? ये 4 दाने 4 केजी के, 4 दाने 4 केजी के, 1 किलो की एक मछली है, देख सकते हैं आप दोस्तों। नौमान भाई, आप मछली खरीदने आए? बिल्कुल, मछली खरीदने के लिए आए, मछली और झींगे वगैरह। आप संडे को आते हैं? आज संडे को नहीं, एक संडे छोड़ गया। कौन सी मछली आपने अभी तक पसंद की है? अभी वैसे हमें कांटों के बगैर वाली मछली चाहिए होती है, हीरा और गंदिया और हीरा। बात चल रही है, देखे हो जाए। मैं यहाँ करीब में हूँ, कुरंगी से। बहुत अच्छा लगा भाई से मिलकर, थैंक यू सो मच। गाइस ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें चैनल भाई का, क्योंकि मेहनत हम लोग के लिए करते हैं, जाके हमें अच्छी नॉलेज मिल जाए और हमें पता चले मच्छी कहाँ से ताज़ा मिल जाती है। बिल्कुल, केले और जो गलियों में आ रहे होते हैं वो बासी मच्छियाँ रख के आ रहे होते हैं, मजबूरन हम लोगों वहीं से खरीदनी पड़ती है। आप यहाँ पे विजिट करें इब्राहिम हैदरी में आके, 3 से 4 किलोमीटर क्रॉसिंग से आगे यहाँ पर इब्राहिम हैदरी ताज़ा फ्रेश मछली मिलती है, और होलसेल के हिसाब से मिलती है। बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर, कराची के मुख्तलिफ इलाकों से लोग आते हैं मछली खरीदने के लिए। बहुत अच्छा लगा भाई से मिलकर, थैंक यू सो मच। मेरे दोस्त हैं, ठीक है, बचपन के दोस्त, उन्होंने अपना चैनल बनाया हुआ जमशेद हाशमी, जिससे आपको उसमें बर्ड्स और परिंदों की बहुत अच्छी अवेयरनेस मिलती है। सदर मार्केट में सर हम लोग शूट करने के लिए आते हैं, जो जितना जल्दी हो सके उसको सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, केकड़ा क्या किलो है? 200 रुपए किलो। अलग अलग इनकी क्वालिटी होती है, अलग अलग रेट होता है, साइज के ऊपर होता है, केकड़े की साइज के हिसाब से कीमत लगाई जाती है। फ्रेंड्स, छोटी छोटी मछलियों से लेकर बड़ी बड़ी मछलियाँ मौजूद है। हीरा मछली देख सकते हैं आप, कितनी बड़ी है ये, तकरीबन कितने, क्या वजन होगा? 5 किलो से ऊपर होगा। ये इतनी लंबी मछली कौन सी मछली है? कुंद। कुंद 2.5 किलो आई? 200 रुपए किलो। 200 रुपए किलो ये देख सकते हैं कुंद। 200 रुपए किलो। नहीं, ये कूंदे मंडी का 250 रुपए किलो है, तो हमको 350 चलाते 50-60 में हमारा बचत होती है रोज। ये कक्काल मच्छी है, ये सर्दी में कम से कम पड़ती है 300 रुपए, हम लोग चलाते 400 में, 100 रुपए इसमें बचत है। ये सारा में इसका मंडी का रेट चल रहा है 300 रुपया, दुकान में लोगे तो कम से कम 500 रुपए किलो पड़ेगी आपको। यहाँ पे 300 रुपए किलो चलती है मच्छी, ताज़ा देते हैं हम। ये 5 किलो मच्छी है 500 रुपए। 500 रुपए किलो। कौन सी मछली है? ये दंदिया मछली है, इसको खाने के बाद ज्यादा ताकत है उससे भी। क्या नाम है आपका? शेरजान भाई, आप यहाँ पर क्या करते हैं? ये काम मछली, आप मछली की सफाई करके देते हो, आप कितने पैसे लेते हो 1 किलो मछली के? 100 रुपए में होता है। 100 रुपए में आपने बोली लगा के उठाया कि साफ करके देंगे ना? नहीं है, झूठ नहीं है, 30 रुपए। 30 रुपए किलो में ये मछली साफ करके देते हैं, बिल्कुल ये छिलके विलके उतार के इसका कचरा वचरा साफ करके। रेट पे देख, 10 रुपए किलो है पूरा साफ।
स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर स्पॉट बने हुए हैं, कहाँ से मछली पकड़ के लेकर आ रहे हैं और कहाँ पर मछली सेल आउट हो रही है और कहाँ पर मछलियों की सफाई हो रही है, ये सब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखा रहा हूँ। कहाँ पर मछलियों की सफाई की जाती है, लोग आते हैं मछली खरीदते हैं और खरीदने के बाद इनके हैंडओवर करते हैं ताकि ये मछली की सफाई वफाई करके और इनको बिल्कुल साफ़ सुथरा करके इनको दें ताकि घर पर जाके सिर्फ धो के उसको पीसेस में डिवाइड करके अपना खाना बना सकें। रेहान अहमद, रेहान अहमद भाई, ये आप क्या मछली की सफाई कर रहे हैं? कब से यहाँ पर काम कर रहे हैं? 8 साल हो गए। कैसा कारोबार चल रहा है आपका? सर अल्लाह।